के तुझे क्या मिला। शेरी ने आपके पैसों से तो कुछ नहीं लेना बल्कि अपने पैसे लगाए हैं। मुझे नहीं चाहिए किसी गैर का माल, और तमाम गैर होता है। सर तुम नहीं समझ सकती, जा जा, वंदी हो गया। ये देखिए, ये देखिए जरा। ठीक है डियर रमजा, जब हम तुम्हारे घर आए थे तो तुम घर पर नहीं थी, सिर्फ तुम्हारे बाबा से मुलाकात हुई थी। उम्मीद है तुमसे भी जल्द किसी दिन मुलाकात होगी। हाँ आंटी से सॉरी कहते ना, वो कुछ ज्यादा ही डर गई। और तुम मुझे हमेशा कहती हो कि तुम्हारा बैग तुम्हारे साथ होता है। तुम्हारे साथ तो हर वक्त अमर भी होता है, क्या पता वो नोट उसने डाला। मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ। अच्छा तुम उसको जानती हो, लेकिन अपनी बहनोई पे शक कर सकती हो। आंटी तो तुम भी हो रमजा। जरा जरा मुझे तबाह करके तुझे क्या मिला। अच्छा उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? कुछ खास नहीं है, जिसको वो माँ कहता है माँ नहीं है, पाला है उन्होंने उसे। बेसिकली ना कोई आगे है ना कोई पीछे। क्या हो गया तुम्हें यार? कुछ नहीं यार, मैंने अगले और पिछले रखने वालों को देख लिया है ना, आई सीन इट। अलीजे को ही देख लो, कितना अच्छा खानदान है उसका, बट ऑलवेज गिविंग अस ट्रबल राइट। एंड रजाज मदर वॉज अ पेन, देन व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मी? पेन। एनीवे मुझे तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं लग रहा। बिल्कुल ठीक है मेरा दिमाग शेरी, मुझे लेसन बहुत जल्दी मिल जाता था। तुम चीट करते थे, लेकिन मुझे चीट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, क्योंकि मैं तुम्हारी गलतियों से सीख जाती थी। ये मेरा एडवांटेज था और तुम्हारा डिसएडवांटेज। और बैड लक। कम ऑन शेरी, एंड डोंट बी हार्श ऑन योरसेल्फ ओके। तुम हमेशा अपने आप को सजा दे देते हो। जिंदगी खुद को सजा देने और गिल्ट में मरने के लिए नहीं होती शेरी, और तुम्हें पता ही नहीं होता कि तुम किसको सर चढ़ा रहे हो। हम ऐसा भी नहीं है यार। फिर अभी तक अलीजे काबू में क्यों नहीं आई? देखो मुझ में और तुम में ये फर्क है कि तुम एक डिक्टेटर हो, जबकि मैं इमोशनली इंटेलिजेंट हूं। देखो किसी को गिराने में और उसको मजबूर कर देना कि वो खुद ही गिर जाए, बड़ा फर्क होता है। तुम सिक्के का सिर्फ एक रूप देखती हो। देखो मीरब के सिलसिले में गलती ना करना। हाँ यार, बट पहले मुझे तो यकीन कर लेने दो कि वो ठीक है कि नहीं। यू नो लेके फिरने के लिए तो ही इज फाइन, बट रहने के लिए आई डोंट नो, क्योंकि मैं तो यहां से जाने वाली नहीं। आपका ऑफिस तो नीचे था, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो मैं भूल गया, अब आखिर आपको ऑफिस छोड़ना मेरा ही फर्ज है ना। आर यू मैड? आपको ये करने की कोई जरूरत नहीं। मैम ये आपका एहसान है, वरना ये पोजीशन। मैंने कोई एहसान नहीं किया, आप सही वक्त पर सही जगह थे, एंड दैट्स व्हाई यू हियर। अच्छा मैम, वो सफदर साहब के साथ कोऑर्डिनेट करना काफ़ी मसला हो रहा है उसमें, वो क्योंकि एक सीनियर मेंबर मैनेजमेंट रहे हैं तो। वेल यू आर इन बिग पोजीशन ना, आपकी पोजीशन बड़ी है, डील विद इट। और यहाँ खड़े होके मुझे शिकायतें मत लगाएं। और हाँ, कमजोर लोग बड़ी बड़ी कुर्सियों पे नहीं बैठते। चुमा And don't prove me wrong, Meera. Do not. Change your hairstyle.
तुम सिक्के का सिर्फ एक रूप देखती हो। देखो मीरब के सिलसिले में गलती ना करना। हेलो, तुम आज जल्दी आ गए? हाँ, मैंने सोचा आज तुम्हारा इंतजार करके देखता। To be honest, एक लम्हा जो है ना सदिया लग रही थी गुजर के। तुम तो दिलीप कुमार की तरह बातें करने लग गए। तो I had a very bad day at work today. तुम रोई हो? नहीं। साफ लग रहा है जैसे रोई हो। क्या हुआ? जरूर तुम्हारे बॉस ने कुछ कहा होगा। अरे जान, क्या जरूरत है तुम्हें? शेरी, मेरी सारी मेहनत का क्रेडिट किसी और को दे दिया गया। आज कॉन्फ्रेंस रूम में जश्न मनाए गए हैं, मुझे क्रेडिट भी नहीं दिया, मेरा नाम भी हटा दिया। I felt so bad. फिर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? मोड़ के बिना देखता उनकी तरफ। तुम देखना क्या हाल करूंगा मैं उसका। छोड़ूंगा नहीं उसे मैं। इसीलिए तो उस दिन तुम्हारे साथ ऑफिस आया था मैं, ताकि उसको पता चले कि तुम किसकी बीवी हो। He shouldn't mess with you. लेकिन खैर, उस दिन तो तुमने खुद ही मेरा साथ नहीं दिया, बल्कि उल्टा मुझे कहने लगी जैसे मैं। अच्छा खैर, ठीक है। अरे शेरी, मुझे ना मेरा दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है इस पर फर्क नहीं समझ आता। मुझे तुम्हें सपोर्ट करना चाहिए था उस दिन। मुझे समझ जाना चाहिए कि ये एक बिजनेस है और बिजनेस में कोई किसी का नहीं होता। अरे जान, मैं बिला वजह तुम्हें गिल्ट में थोड़ी डालना चाह रहा था। तो तुम भी ना फॉरन ब्लेम अपने ऊपर ले लेती हो। मत किया करो ऐसे। यही तो तुम्हारी सादगी जिसका लोग फायदा उठा जाते। मेरी मेहनत थी, लेकिन मेरी मोहब्बत से ज्यादा अहम नहीं। असल में वो तुम्हें नहीं, मुझे ढेर कर है। और ऐसों को तो मैं पानी तक नहीं पूछता। ऐसे लोग जो है ना बैंकक्रप्ट हो जाते हैं। नहीं शेरी, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मैं ऐसा ही करूंगा, मैं ऐसा ही करूंगा। कुछ आउट एयर ही यार जान, मैं इसलिए जल्दी थोड़ी वापस आया था कि तुम्हारी ये रोती हुई शक्ल देखूं। मैं तो इसलिए वापस आया था बिकॉज कहीं जाना था हमने। हाँ तो चलते हैं ना। नहीं, रहने दो। क्यों? बस अब मूड नहीं है मेरा। हरी, मुझे तुम्हें ये बात नहीं बतानी चाहिए। देखो वो मेरे पहले एम्प्लॉयर है और तुम मेरी पहली बीवी हो। दैट मैटर्स मोर। जब मेरे पास इख्तियार है तो मैं किस चीज से डरूं? When I can teach him a lesson, I will. असल में वो तुम्हें नीचा नहीं दिखा रहा, मुझे नीचा दिखा रहा है। And I won't let it happen. नहीं शरी, ये मेरा और उनका पर्सनल मैटर है, नथिंग ऑन यू। अगर कुछ भी पर्सनल है ना तो वो सिर्फ मेरा और तुम्हारा है। तुझे क्या मिला? जरा जरा मुझे दबा करके तुझे क्या मिला? क्या बात है बेटा? कुछ नहीं बाबा।
कुछ परेशान हो? नहीं जी बाबा, I'm a bit upset. देखो बेटा, कोई भी बात हो ना, सबसे पहले मुझे बताएगा. शेरी ने तुमको बाहर ले जाने का प्लान किया था, इसलिए वो जल्दी आ गया था. मेरी गलती है. नहीं, गलती इतनी जल्दी नहीं मानता. आपको बताया ना बाबा क्या हो गया. उनको मेरे बॉस पे गुस्सा आ गया. एक तरफ एक्सपेक्ट करता है कि मैं उसको हर बात बता, शेयर करूं हर चीज, लेकिन जब शेयर करती हूँ तो इतना ओवर रिएक्शन. बस शेरी को ऐसा नहीं करना चाहिए. तुम्हारा ऑफिस तुम्हारा मसला है, जो भी बात हो मुझे बता दिया करो. कौन सी बातें हो रही है? तुम्हारी भाभी अपसेट है. क्या हो गया मेरी भाभी को? क्यों अपसेट है? वैसे बाबा ये सारी बातें आप ही से शेयर करती है, हमसे तो कुछ शेयर करती नहीं. भाई तुम हमारी बहू को मौका ही नहीं देती कि ये खुलकर बात कर सके. वैसे लीजे, जब से तुम आई हो बाबा तो पूरे के पूरे तुम्हारे हो गए. हाँ, जब मेरी शादी हो जाएगी तो मुझे नहीं लगता इन्हें कोई फर्क पड़ने वाला है, इसीलिए तो मैं जा नहीं रही हूँ. नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बेटियों की जगह तो कोई नहीं ले सकता ना. मजाक कर रही हूँ यार, क्या हुआ है तुम्हें बताओ. बस इससे अपने बॉस की बात कोई शेरी को बता दिया, वो शेरी लेसन देगा बॉस को. यू नो हिम डोंट यू? भाई है तो वो एक एक्सेलेंट बॉस, ने एम्प्लॉयज का इतना ख्याल रखता है. अब तो भाई वो उसका दुश्मन है. देखो, किसी को दुश्मन नहीं बनाना चाहिए. अब वो अपनी बीवी का साथ ना दे तो और किसका दे? डैड, दैट्स हाउ ही लव्स. अब उसकी जंग है, तुम सिर्फ तमाशा देखो. डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जंग नहीं होती, उसके लिए हो जाती है ना कभी कभी. एनीवे, कान खींचती हूँ मैं उसके, आप दोनों फिक्र मत करें, समझ जाएगा, सुनेगा बात, डोंट वरी. चेहरा तुम्हारी बीवी नीचे रो रही है, फुल ड्रामा. व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी? सबको एक ही डायलॉग बोलते हो, सीरॉक्स कॉपी बनते जा रहे हो. वी नीड सम चेंज, अल्फाज थोड़े चेंज होने चाहिए. अच्छा अब सुनो, नीचे जाकर अब तुमने ये कहना है अनीजे को कि मैं नताशा की बात नहीं डालता. ओके, एक बात तो बताओ, ये लड़कियां इतनी जल्दी रो कैसे लेती हैं? लड़कियां रुला भी सकती हैं, पूछ लो रजा से. तुम अलीसे को इतना हल्का मत लो, आई एम टेलिंग यू वो इतनी हल्की नहीं है. हरी चीजें ज्यादा देर तैरती नहीं है, डूब जाती, ये भी जल्दी डूब जाएगी. क्या जल्दी डूब जाएगा? तुम्हारे बॉस की कंपनी, डोंट वरी, टेंशन नहीं लेनी, नेक्स्ट टाइम मुझे बताना, आई विल हैंडल इट, डोंट वरी. ओके, क्या हाल बनाया हुआ तुमने अपने कमरे का, ये कोई तरीका है बना रहने का? मुझे यहाँ नहीं रहना, नहीं रहना मुझे यहाँ पे. क्या हुआ बेटा, क्या बात है? मत करे मुझे झूठा प्यार, नहीं चाहिए मुझे आपका ये प्यार.
चीज की सजा मिल रही है मुझे। लीजे ने मुझे इतनी सुनाई आपके सामने और अब चुपचाप सुनती रही। वो इस घर में आई और इतनी बातें सुनाई, इतनी बकवास की उसने। बेटा वो बहन है तुम्हारी। जो इंसान पागल हो जाए, अंधा हो जाए, खुद भी खड्डे में जा गिरे और दूसरों को भी अपने साथ खड्डे में आने की तलकीन करे ना, उसकी पैरवी नहीं की जा सकती। फिर शुरू हो गई हो तो इतना बेमहल बोलती हो ना, इसीलिए उसने डांटा होगा तुम्हें। डांटा होगा? मैंने जो भी कहा था ना उन्हें बिल्कुल सही कहा था। नहीं है एतबार जरा भी मुझे उनके शोहर पे। बेटा अब जो भी है ना वो इस घर का बड़ा है। नहीं मानती मैं इस घर का बड़ा। अगर आप लोगों ने मुझे उनकी सरपरस्ती में थोपा ना, नहीं रहूंगी मैं इस घर में, चली जाऊंगी मैं यहाँ से। मुझे उन पर पहले भी शक था और हमेशा रहेगा। गेम खेल रहे हैं वो। हर बात कहने की नहीं होती, पहनोई है वो तुम्हारा और ये फसाद होता है जो तुम कर रही हो। हर बात में खामोश हो जाओ। अमन कायम रखने के लिए खामोश हो जाने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाते। ना मैं उनके ड्राइवर के साथ आऊंगी, ना मैं उसके साथ जाऊंगी। ये सब उनके हमारे घर पे अपनी गिरफ्त मजबूत करने के टैक्टिक्स हैं। क्या अल्लाह, तुम्हारे दिमाग में क्या कचरा भरा हुआ है। वो इतना ख्याल करता है तुम लोगों का और तुम इसको साजिश कह रही हो। हाँ मैं तो साजिश कह रही हूँ। उसे साजिश इसके लिए, वो है ही साजिश ही आदमी। कुछ तो खुदा का खौफ करो। हाँ आप करें खुदा का खौफ। अल्लाह से दुआ करें कि आपके दिमाग में जो फॉग है ना ये साफ हो जाए। कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा और जिनको सब समझ में आ रहा है ना उनको आपने डरा दिया है। किसको? पापा को। क्यों खौफजदा किया आपने उन्हें? क्या बात है? Why is my wife so bothered with her breakfast? क्या देख रही हो? बस टकलने लगी हूँ। क्यों यार? Why are you so naive? शरी मैं जानती हूँ मैं क्या कर। नहीं जानती तुम, यही तो बात है। कुछ नहीं जानती तुम, सिर्फ जिद कर रही हो। शरी मैं एकदम से ना जॉब नहीं छोड़ सकती, मुझे नोटिस देना होगा। मैं इस मुकाम तक बहुत मेहनत से पहुंची। कैसा नोटिस यार? I mean, कौन है वो, क्या है? It doesn't really matter. देखो मेरी बात सुन, जहां तुम पहले थी ना वहां तुम्हें स्ट्रगल करने की जरूरत थी, लेकिन अब जहां तुम हो ना वहां तो तुम्हें अचीव करना है। यू नीड टू रियलाइज दिस। मेरी बात सुन, प्रोडक्ट में और उसके मेकर में जमीन आसमान का फर्क होता है। और मसला यह है कि तुम्हारी वर्कर मेंटालिटी है। तुम्हें लीडरशिप के बारे में कुछ पता ही नहीं है। लीडरशिप के बारे में लेक्चर जरूर दे सकती हो, लेकिन तुम्हें लीडर बनना नहीं आता। हो सकता है मैं वो मटेरियल ही ना। प्लीज, यू आर माय वाइफ, माय वाइफ। मैं लीजे हूं चाहिए। अच्छा यार तुम जाओ, बाकी तुम्हें लीजे हो। मेरी बीवी तो बाद में हो, मैं बीवी हूं, मैं लीजे हूं, मैं बीवी हूं, मैं लीजे हूं, इसी फितूर और कश्मकश में तुम रहती हो। I mean, honestly, किसी की बदतमीजी बर्दाश्त कर लोगी तुम, लेकिन मेरी बात नहीं सुननी तुम। ठीक है, तुम काफी पर्सनल हो रहे हो। हाँ तो ये मेरा पर्सनल मैटर है। यू आर माय वाइफ, आई एम योर हस्बैंड। अगर तुम इस बात को एक्सेप्ट कर लो। अलीजा को क्या हुआ? नाश्ता भी नहीं करके गई? पता नहीं, वो ही बहस और क्या। एक क्यों फोर्स कर रहे हो भाई? मेरा मतलब है कि उसको
उसका प्रोफेशन है, उसको डील करने दो। इससे ज्यादा मुश्किल कौन होगा? ये उसे क्वीन बी बनाने के चक्रों में वो मेरे भाई या मत भूलो कि वो एक वर्किंग क्लास से है, ये उनके खून में है। Isn't it dad? यही सीखा है ना हमने। ये मजाक नहीं है। सौरवर्दी का बेटा है लंदन में। मेरी तरफ से इट्स अ बिग नो। आप कहते मैं आपको कहीं छोड़ के नहीं जा रही। यू शुड नो योर किड्स। आज इसकी बीवी ने उसको काफी इंसल्ट किए। अच्छा इनफ यार, शी इज हैप्पी, लेट हर बी। मेरे बाबा जिंदा हैं अभी और उनके होते हुए मुझे किसी और की सरपरस्ती की कोई जरूरत नहीं है। वो मेरा शौहर है रमजा, तो रखो अपने शौहर को अपने पास, मेरे ऊपर मुसल्लत ना करो। जरा जरा मुझे तबा करके तुझे क्या मिला। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। मैंने आपको कॉल की थी, मैं खुद घर जाऊंगी। लेकिन साहब का ऑर्डर है बेबी। कौन से साहब? शहरी साहब। मेरे लिए साहब सिर्फ मेरे बाबा हैं, मैं खुद चली जाऊंगी। मैं फिर साहब को क्या बोलूं? वही जो मैंने अभी आपसे कहा है, अब आप जा सकते हैं। हमारी 5 की 5 मीटिंग्स लाइंड अप थी टेली कम्युनिकेशन के साथ, सब की सब कैंसिल। लेकिन आप मुझे सब क्यों बता रहे हैं? मैं तो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा ही नहीं। वही ना, आप बन जाएं, क्योंकि आपने अपने शोहर को पता नहीं क्या कहा है। एक्सक्यूज मी सर, मैंने किसी को कुछ नहीं कहा, वो मेरा हस्बैंड है कोई। तभी उन्होंने पर्सनली ले लिया है। इस प्रोजेक्ट को हेड करने वाला उनका बैचमेट है। आप कर लें प्रोजेक्ट को हेड। आई वॉन्ट लाइक दिस, और मैं किसी भी ऐसे प्रेशर टैक्टिक्स पे यकीन नहीं करती। शेरी ने ऐसा कुछ नहीं किया। आप प्लीज काइंडली डोंट ड्रैग मी इनटू ऑल ऑफ दिस। कोई और वजह होगी। यही वजह है, मेरे बहुत से एम्प्लॉयज हैं। इस प्रोजेक्ट के चले जाने से सबका नुकसान होगा और मेरा भी। मैं समझ गया हूँ, आपको करेक्ट करने का हक मैं अब खो चुका हूँ। I'd rather leave the job, sir. अभी नहीं, please अभी नहीं, I am requesting you. Sir, please, मैं अभी भी आपकी इज्जत करती हूँ, you don't need to request me, लेकिन जिस position में आपने मुझे डाल दिया है ना, उस तरह मैं काम नहीं कर सकती, मैं मजबूर हो जाऊंगी ये काम छोड़ने पे। लीजे, आप मुझको गलत समझ रही हैं। आप ले लें कॉल प्लीज। हेलो अलीजे, मुझे अभी ड्राइवर का फोन आया कि रमजा ने उसके साथ बैठने से इनकार कर दी और वो किसी और तरह चलेगी। व्हाई वुड शी डू दैट? और मेरे सर्वेंट्स के सामने मुझे इस तरह इंसल्ट क्यों कर रही है वो? शेरी, मैं ऑफिस में हूँ। मैं भी ऑफिस में हूँ अलीजे। अपनी माँ को कहो कि जरा खबर रखा करे, उनको तो कुछ पता ही नहीं है। और रमजा फोन नहीं उठा रही। शेरी उठा लेगी, कहीं चली गई होगी, तुम परेशान मत हो। नहीं, तुम उसे अभी फोन करो एंड आस्क हर व्हाई इज शी डूइंग दिस। अच्छा शेरी, तुम परेशान मत हो, मैं कुछ करती हूँ, मैंने तुमसे एक बात पूछ रही थी। क्या तुम क्या टेली कम्युनिकेशन में किसी को जानते हो? मुझे भी कुछ नहीं पता। I don't take no for an answer.
हेलो हाँ, तुमने आंटी को बताया था कि तुम उनका ड्राइवर नहीं लेके जा रही? तुम ना पहले अपनी फिक्र करो, जब तक वीजा नहीं आ जाता कोई और जॉब कर लो, वरना मैं ना किसी और से शादी कर लूंगी। तुम्हारी जैसे बददिमाग लड़की से शादी करेगा कौन मेरे अलावा? वैसे एक बात बोलूं, अलीजे बहुत अच्छी हैं, तुम्हें उनके साथ ऐसा रवैया नहीं रखना चाहिए। तुम्हारी एक ही बहन है, वो तुम्हारा बुरा क्यों चाहेंगी? पहले वो अपनी तो हो जाए, फिर ही मेरी होगी ना। तो अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। क्या हो गया? अल्लामा इकबाल याद आ रहे हैं तुम्हें? जब बड़े अपना सिखाया हुआ सबक खुद ही भूल जाते हैं ना, फिर यही होता है। कुछ नहीं हो सकता। ये कौन है यार, इससे कोई बात क्यों समझ नहीं आती? हाँ नहीं आती मुझे समझ, ना ही मुझे समझ नहीं है, कोई एहसान नहीं चाहिए मुझे उनका। बेटा वो तुम्हारे भाई की जगह है। ओ प्लीज मामा, कोई भी किसी की तरह नहीं होता। मेरे बाबा जिंदा हैं अभी, और उनके होते हुए मुझे किसी और की सरपरस्ती की कोई जरूरत नहीं है। वो मेरा शौहर है रमजा। तो रखो अपने शौहर को अपने पास, मेरे ऊपर मुसल्लत ना करो। मुझे अपने ही तरीके से आना जाना है, मैं पहले भी चाहती थी और अब भी चाहूंगी। ना ही मेरी जान को किसी किस्म का खतरा है और ना ही मेरे पीछे कोई पड़ा हुआ है। वो ड्राइवर छोटी छोटी बातों की रिपोर्ट देता है शहरी भाई को, हद होती है यार। किस किस्म का साइको है तुम्हारा शौहर, और अच्छी तरह से पता है तुम्हें ये बात। लेकिन शायद शायद तुम इस बात को याद ही नहीं रखना चाहती, जस्ट बिकॉज ही इज सो रिच। ठीक है, जितना इंजॉय करना है ना करो उसके साथ, लेकिन मुझे ख्वार करने की कोई जरूरत नहीं है। कितनी बड़ी बड़ी बातें करती थी ना तुम अपनी टेड टॉक्स में, इतना डिसअपॉइंट किया तुमने मुझे। यू डोंट रियली प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। देख रही हूँ, क्या कुछ नहीं किया शरीर ने आप सबके लिए। हाँ मामा पे उनकी मेडिसिन का असर है, और तुम पर तुम्हारे शौहर की ताकत का असर है, लेकिन मैं इन चीजों से इम्प्रेस नहीं होने वाली। होगा तुम्हारे लिए तुम्हारा शौहर बहुत बड़ा आदमी, लेकिन मेरे लिए मेरे कमजोर बाबा बहुत हैं। आप पापा शेरी बहन नहीं है, आप क्यों उसको इतना जज कर रहे हैं? किसी को भी इतना बेजा जज करना गुनाह होता है। आपको पता है मेरे बॉस ने जब मुझे इतना डांटा तो वो इतना खफा हो गया उन पे, और मेरे थोड़े से रो पड़ने से उसकी जान निकल जाती है। वाह, जान देने को तैयार है तुम्हारी, लेकिन जब उन्होंने तुम्हें रुलाया था, तुम्हें टॉर्चर किया था, वो सब याद नहीं है उन्हें? या फिर वो ये सब करना अपना हक समझते हैं क्योंकि वो तुम्हारे वाली हैं, तुम्हारे आका हैं, है? और अगर ऐसा ही है तो फिर तुम कौन हो? क्या कह के पुकारे हम तुम्हें? अदीजे तुमने कैसे अपनी तकमील मुअख्खर कर दी है, तुम सोचो। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, क्या कर रहे हैं आप? मैम मैं खाना खा रहा था, आप हुक्म कीजिए। अच्छा तो आप खाना छोड़िए और मुझे मिलने आइए, हमारे ऑफिस के नीचे रेस्टोरेंट है, मैं वहाँ बैठी हूँ, कम सी मी। राइट मैम, मैं अभी आता हूँ। ओके गुड, आई एम वेटिंग। मैम
हाय. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. हैव अ सीट. मैंने आपके लिए सूप ऑर्डर किया. मेन में क्या लोगे? कुछ नहीं मैम, आप बताइए. आपने मुझे बुलाया. क्या हो रहा था? मैम मैं कैफेटेरिया में लंच कर रहा. आइंदा लंच आप मेरे साथ किया करेंगे. रोज मैम. रोज अब आप डिपार्टमेंट के हेड हैं, मत बैठा करें बाकी एम्प्लॉयज के साथ, अच्छा नहीं लगता. कैसा लगा सूप? अच्छा. मेरा भी ये फेवरेट सूप है. Interesting. Very interesting. You know, I like you. I like you a lot. Will you marry me? नसीब करे. भाभी हमेशा कहती थी कि बहुत जल्द नजर लग जाती है तुझे. आज पड़ा हुआ पानी मैंने बाहर निकाल के रखा था, तू पी के नहीं गया ना, ऐसे ही निकल गया. इस मोहल्ले में जब तेरी कार आई थी ना, तो सब ने हाय हाय कहकर मुबारकबाद दी थी. मजाल है कि किसी ने माशाल्लाह का एक लफ्ज बोल दिया. बहुत ही जाहिल लोग हैं, जरा सलीका नहीं है. चाची मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है. या अल्लाह, तुझे तो बहुत तेज बुखार हो रहा है, तेरा सर तप रहा है बुखार से. कोविड तो नहीं हो गया तुझे? चाची मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ. आप प्लीज चली जाए. You know, I like you. I like you a lot. Will you marry me? Meeru? 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 Chachi, aap please chali jaye. Mujhe kuch nahi hua, main bilkul theek hoon. Aap aaram kijiye. मैं चाय पापे लाई हूँ तेरे लिए. मैंने तुझे दवा भी देनी है, मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगी. जब बहुत ही बेसुध हो गया था तू. क्या हुआ है? परेशानी क्या है? मुझे लगता है किसी ने ऑफिस में तुझे कुछ कह दिया है और तू भी ना छोटी छोटी बात को दिल पे ले लेता है. जिसके बाप को मार दिया हो उसे तो अमृत भी जहर लगता है ना. फिरोजा का वो मोहल्ले में शादी है ना, तो आज उसकी ढोलकी में गई है. मुझे कह रही थी, मगर मैंने साफ कह दिया कि मैं अपने मीरब को छोड़ कर नहीं आने वाली. क्या हुआ? चाची मुझे लगता है मेरी नौकरी चली जाएगी. क्या? मेरे अल्लाह,
क्या किया है तूने? मुझे बता, अपनी चच्ची को बता। खामोश हो तुम? फिर क्या? फिर रोज कुछ होना जरूरी है? इधर देखो मेरी तरफ। देख लो, मैं आज नहीं रोई। अच्छी बात है ना यार। फिर बता दिया अपने बॉस को कि तुम रिजाइन कर रही हो? सुना दी बातें उन्हें? मेरे बॉस से मुझे प्रोजेक्ट हेड बना लिया है, यही बात की आज उन्होंने बच्चे। अच्छा रेनी, तुम्हें ये बात पता थी ना? क्या? एक सेकेंड, तुम क्या कहना चाह रही हो कि मैंने उसकी कंपनी से प्रोजेक्ट रुका दिया था? हाँ, क्योंकि उस कंपनी का मालिक तुम्हारा बैचमेट है। ये बात उसने तुमसे की? अगर तुमने ऐसा ना किया होता तो तुम ऐसे रिएक्ट ना करते। यार मुझे अपनी प्रोफेशनल लाइफ को घर से लेदा रखना है, तुम्हें इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मुझे बिजनेस बहुत सीखो, तुमसे पहले से कर रहा हूँ मैं। शेरी, मैं ये सिर्फ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे अपने बॉस के सामने एम्बैरस नहीं होना। उन्होंने मुझे ये प्रोजेक्ट हेड करने को सिर्फ इसलिए कहा था कि तुम अपने दोस्त से कह के उनकी कंपनी को कोई नुकसान ना पहुँचाओ। प्लीज यार, मैंने उनसे बहुत सीखा है, मैं उनके सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहती। You don't believe me because you don't trust me, and it's so heartbreaking. मुझसे ज़्यादा तुम्हें stranger की बात पे यकीन है। Great. नाम क्या करूँ? जरा जरा मुझे दबा करके तुझे क्या मिला।